यहाँ क्या कर रही है तुम यार? प्रभात घबरा गए थे, वो बिजली कड़क रही थी। थोड़ी सी बिजली कड़की है, इसमें घबराने की क्या बात है? हाँ लेकिन मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे कमरे में बैठ सकती हूँ कुणाल, प्लीज। नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं राधे श्याम की पत्नी को भेज देता हूँ। थैंक्स, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कृतिका, मैं जानता हूं तुम सो नहीं रही हो, उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कृतिका प्लीज, मुझे तुमसे माफी तो मांगने दो। कृतिका, कृतिका प्लीज, आई एम सॉरी। कभी सोचा नहीं था जिस हाथ को थाम कर जिंदगी का सफर तय करने निकली हूं, उसी हाथ। मैं जानता हूं कृतिका, मैंने बहुत घटिया सलूक किया ना तुम्हारे साथ, तुमने मुझ पर कितना भरोसा किया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, और मैं तुमसे झूठ बोलता रहा, तुमसे एकदम पराये जैसा बर्ताव किया, और आज तो मैंने तुम पर अपना हाथ भी। लेकिन मेरा यकीन करो कृतिका, मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। सच तो यह है ऋषभ कि तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। मैं मानती हूँ हमारी शादी अचानक हुई है, लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ मामा के लिए मेरा गुस्सा है? बचपन से अब तक की हमारी दोस्ती का इसमें कोई हाथ नहीं? तुम्हें क्या लगता है ऋषभ, प्यार चाहत सिर्फ तुम्हारे दिल में है, मेरे दिल में नहीं? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया ऋषभ के मेरी कमजोरी मेरा गुस्सा नहीं, तुम्हारे लिए मेरा प्यार है? मैं जानता हूं कृतिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो कृतिका, क्योंकि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं सारी जिंदगी खुद से ही नजरें नहीं मिला पाऊंगा। बचपन से ही मां का साया मेरे सर पर नहीं रहा, और पापा उनसे तो हमेशा एक बहुत बड़ा फासला बना रहा, ऐसे में सिर्फ एक तुम ही थी कृतिका जिसने मुझ पागल से प्यार किया, मेरे मन में प्यार जगाया। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कृतिका, तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्यार करता हूं तुमसे। हेलो। हाँ टोनी बोलो, क्या खबर है? हाँ दीदी, मैंने सब पता लगा लिया। मेरा सब ठीक था दीदी,
तुम्हारा शक बिल्कुल बेबुनियाद है। दीदी, मैंने परछाई की तरह जीजाजी और उस रिपोर्टर का पीछा किया है। एक मिनट के लिए भी उन दोनों को आंखों से उछल नहीं होने दिया। दीदी, जैसा तुम सोचती हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जीजाजी सिर्फ तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे। दीदी, इनफैक्ट मुझे तो गिल्ट हो रहा है कि मैंने मैंने अपने जीजाजी पर शक किया। टोनी, तुम्हें पक्का पता है उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है? योर शो ना। हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा दीदी, फोन रखता हूँ। ओके, बाय बाय। मैं ही इतनी शक्की हूँ, कुणाल ऐसा कर ही नहीं सकते। बहना, हमारे पूज्य जीजाजी उस लड़की की बाहों में पूरी तरह से समा चुके हैं। अब इस खबर का तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा जीजाजी से झगड़ा करोगे, और मैं इस खबर का पूरी तरह से प्रॉपर इस्तेमाल कर सकता हूं। यह खबर न्यूज चैनल के लिए कितना बड़ा धमाका होगी सोचो। हाँ, इस खबर से मैं कमाऊंगा दाम और जीजाजी का होगा नाम। जियो टोनी सेठ। गुड मॉर्निंग, कॉफी? सरप्राइज्ड है ना? सरप्राइज्ड एट व्हाट? तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई। जब हम लोगों ने साथ में रहना शुरू किया था तो हमेशा मैं पहले उठा करती थी। हर अखबार में रघुनंदन की खबर छपी। ये मीडिया वाले समझते क्यों नहीं कि इस गद्दार को किसी भी पार्टी में रहने का हक नहीं है? इतनी पब्लिसिटी, इतनी कवरेज। ओह माय गॉड, अभी आग याग अपने भी भड़का रहे मां। सुनो क्या लिखा है। लिखा है, कृतिका भागवत ने प्रियंवदा देवी के भ्रष्टाचार और तानाशाही से तंग आकर घर छोड़ा है। कृतिका ने रघुनंदन को कई बार कहा कि वो प्रियंवदा देवी को समझाने की कोशिश करे, क्योंकि आप लगातार पापा के आदर्शों का खून कर रही। कृतिका की जब आपने कोई बात नहीं मानी तो आपकी तानाशाही के खिलाफ उसने ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मैम, रघुनंदन जी ने बयान दिया है, उन्होंने आपका नाम लेकर ये कहा है कि आपके और आपके माँ जी के रिश्ते। देखिए, रघुनंदन जी के बयान से मेरा कोई वास्ता नहीं। कृतिका जी, रघुनंदन जी ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि प्रियंवदा देवी के भ्रष्टाचार की नीतियाँ और उनके आतंक। आदरणीय रघुनंदन जी से इस बारे में मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई। मैडम जी, आप प्रियंवदा जी के पार्टी की करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ रही हैं? देखिए, मैं ये लड़ाई प्रियंवदा देवी या किसी के खिलाफ नहीं लड़ रही हूँ। मैं ये चुनाव अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रही हूँ। मेरे इस चुनाव का प्रियंवदा देवी जी से कोई वास्ता नहीं है। दीका जी, कहते हैं कि अफवाह के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है। अगर आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं
तो रघुनंदन त्रिपाठी जी ने ऐसा बयान क्यों दिया? रघुनंदन जी ने जो भी कहा है वो उनकी अपनी राय है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इस बारे में आप उन्हीं से बात करेंगे तो बेहतर होगा। इतना बड़ा झूठ हमारे खिलाफ। माँ, इसमें भी भागवत की कोई ना। एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ, इस चुनाव को जो माँ और बेटी की लड़ाई का एक रंग देने की कोशिश की जा रही है, दो रिश्तों के बीच जंग बनाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये चुनाव माँ और बेटी के बीच नहीं, ये चुनाव प्रियंवदा प्रताप सिंह और कृतिका भागवत के बीच है। का फैसला हमारे जनता के हाथ में है। मुझे वोट किसी की बेटी होने पर नहीं, मुझे वोट अपने नाम और अपने काम पर चाहिए। अनाड़ी को राजनीति के मैदान में उतारने का यही अंजाम होता है। पता नहीं क्या समझ रही है ये लड़की अपने आप को, कैसे समझाए इसे कि कलयुग में लोग देवी देवताओं को भी डर के मारे पूछते हैं और ये अपने आप को देवी समझ रही है। चुनाव का सारा खेल बिगाड़ने पर तुली हुई है। आप ऋषभ को समझाइए, ऋषभ इसे समझा देगा। अरे अपना ही सिक्का खोटा है, किसी को क्या कहें। पता नहीं कैसा पति है, अपनी पत्नी तक को काबू में नहीं रख पाया। तब तो भागवत जी अपनी बहू की नकेल आपको ही कसनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। अभी क्या करें, अगर कुछ कह दिया और वो चुनाव छोड़कर घर में बैठ गई तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। तो क्या किया जाए, आप ही कुछ बताइए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी हार किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं। हिंदू जी नमस्कार। भागवत जी आप हमारे घर? भागवत मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज होंगी, लेकिन आज मैं आपकी सारी नाराजगी दूर करने आया हूं। ऐसी कोई बात नहीं भगवत जी, आइए ना प्लीज। आइए भगवत जी। भगवत जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। आइए बैठिए जी प्लीज। वो क्या, आपके इलाके में एक उद्घाटन के सिलसिले में आया था। अच्छा। कंपनी वालों ने पूरा स्प्लिट यूनिट एसी का सेट गिफ्ट कर दिया। हमारा तो पूरा घर ऐसी है, तो मैंने सोचा कि अपने किसी खास आदमी को यह गिफ्ट देना चाहिए। बाहर गाड़ी में रखा है, उतरवा लीजिए। भागवत जी हम तो देखिए इंदु जी, गिफ्ट इंसान अपनी खुशी के लिए देता है, अपनी खुशी से देता है। आप अगर इनकार करेंगे तो हमको बुरा लगेगा। भागवत जी ये गिफ्ट हम नहीं ले सकते, आप किसी और को दे दीजिए। अरे क्या कह रहे हैं आप, जो मुंह में आता कह देते। भाई साहब दूर की ही सही, हमारे बीच रिश्तेदारी तो है ना, और फिर रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों से नहीं संबंध रखेंगे तो फिर रिश्तेदारी कैसी। आप इनकी बातें छोड़िए, इनको तो हर बात पे टांग अड़ाने की आदत है। भगवत जी आप पहली बार हमारे घर आए हैं, क्या लेंगे, गरम या ठंडा? आज कुछ नहीं, अगली बार जब आऊंगा
जो इच्छा होगी कहकर बनवाऊंगा। आप ही का तो घर है। एक और खास बात आपसे करनी है। जी कहिए। आप तो जानते हैं राजनीति में अलग अलग पार्टियां होती हैं और हर पार्टी अपने प्रदेश के लिए काम करती है। हमारी पार्टी ने आपके लिए MLA की सीट ऑफर की है। माँ, ये कुसुमपुर की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं। मैं तो ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ, एक नजर तुम भी डालो। माँ का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ, वो भागवत और उसके लोग। नमस्ते साधन जी, कैसी हैं आप? आंटी जी, आप अचानक किस तरह, सब ठीक तो है ना? करण, श्वेता से मिलने आई होंगी। श्वेता अपने कमरे में है, आप चलिए। आज मैं श्वेता से नहीं, आपसे मिलने आई हूँ समदन जी। सोचा कि पॉलिटिक्स में आपसे बेहतर सलाह और कौन दे सकता है। बैठिए। इसीलिए एक खास मसले पे आपसे राय लेने आई हूं। वैसे भी आपके तजुर्बे का फायदा रिश्तेदारों को नहीं होगा तो और किसे होगा? हम नहीं जानते थे कि आपको राजनीति में दिलचस्पी है। कहिए, हम आपको क्या राय दे सकते हैं? एक्चुअली मैंने नई नई पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, इसीलिए आपकी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। आंटी, आप मजाक कर रही हैं ना? नो, आई एम वेरी सीरियस। मैं यहां मजाक करने नहीं आई हूं। आज भगवत जी घर आए थे, उन्होंने मुझे MLA की सीट ऑफर की। इतने बड़े लीडर हैं, खुद चल के आए तो मैं इनकार नहीं कर पाई। मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आज भगवत जी घर आए, उन्होंने मुझे MLA की सीट ऑफर की।